ने के बाद हाजी अबरार के तीन बड़े काम। नंबर एक, हर गरीब को मिलेगा आवास, गांव के युवाओं के लिए बनेगा खेल का मैदान। नंबर तीन, गांव में बनेंगे दोनों समुदाय के लिए शादी हॉल। रिछोला के फैतुल्ला ग्राम पंचायत से प्रधान पद के उम्मीदवार हाजी अबरार अहमद अंसारी का कहना है, जो वादा किया है उसे हम निभाएंगे और हमारे चुनाव चिन्ह कोर पर मोहर लगाकर हमें विजयी बनाएं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। प्रत्याशी रईस अहमद अंसारी ने रैली निकालकर लोगों से मांगे वोट। मिल रहा है भारी समर्थन। यूपी में चुनाव के सरगर्मियां तेज होते ही प्रत्याशी लगातार लोगों से जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं और अपने अपने तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है तो कोई अपने बड़े नेताओं के साथ जाकर वोटरों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इसी मामले को लेकर हर हरपुर मठवली के रहने वाले रईस अहमद अंसारी ने 5 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के लिए ताल ठोकी है। नवाबगंज के रिछोला में रईस अहमद अंसारी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए लोगों से अपने लिए वोट मांगे कि रईस अहमद ने कहा है कि हमारा दावा है, मुझे हर जगह से वोट मिल रहा है और जनता मुझे अपने प्यार की वजह से जिताएगी और मुझे जिला पंचायत सदस्य भी बनाएगी। फिलहाल रईस अहमद अंसारी ने अपनी जीत निश्चित बताई है और उन्होंने अपने चुनाव चिन्ह छड़ी पर बोर्ड लगाने की लोगों से गुजारिश भी की है। सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा आपका। मेरा नाम रईस अहमद, वार्ड नंबर 5 जिला पंचायत से और रहने वाले हररपुर मटकली। जी, जानना चाहेंगे आप मैदान में उतरे हैं 5 नंबर वार्ड से, बड़े बड़े धुरंधरों से आपका सामना है, किस तरीके से आप उस फैट को लड़ेंगे? आप फैट मेरे साथ जनता है, मैं कहीं भी जाता हूँ तो इंशाल्लाह मुझे इज्जत मिलती है और मेरे साथ हर गांव के लोग, हर गांव का वोटर खूब मेरे साथ में है इस टाइम और मैं जीत कर मानूंगा, इंशाल्लाह जीतूंगा मैं, मेरे साथ पब्लिक है। रईस जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप गांव में घूम रहे हैं और कितने गांव आपके वार्ड में पड़ते हैं? देखिए, मेरे गांव, मेरे वार्ड नंबर 5 में गांव आते हैं 18। 18 गांव में हमारा दौरा रहता है और अच्छे भले लोग मिलते हैं और बढ़िया से हमें मोहब्बत से लड़ा रहे हैं इलेक्शन। 18 गांवों में आपने क्या क्या खामियां पाई, रोडों को किस तरीके से देखा, क्या कमियां लगी रोडों पर आपको? देखिए, जब विकास से अछूता है अभी आपका वार्ड। बिल्कुल है, जिस जगह पे हम जाते हैं तो कहीं पर नालियां हमें टूटी हुई नज़र आती हैं, कहीं पर रोड नज़र आते हैं टूटे हुए, कहीं पर पुलियां, पुल और पुलियां नज़र आती हैं टूटी हुई। इन सभी को नज़रअंदाज ये लोग आज तक करते रहे, यहाँ तक के कोई भी जो भी आप जीत गए और अपने घर बैठ गए वो उन्होंने आज तक विकास के मामले में कुछ भी नहीं देखा है, कहीं पर नहीं गए। कोई आदमी उन ये नहीं बता सकता है कि वार्ड नंबर 5 का प्रत्याशी जीता हुआ कभी आया हो गांव में। इतनी शिकायतें हमें मिलती हैं और ये शिकायतें अल्लाह ने चाहा कामयाबी के बाद हम उनकी शिकायतें पूरी करेंगे और ये नाले हैं, पुलियाँ हैं और ये भी जो भी विकास का काम है वो हम पूरा करेंगे। रईस अंसारी जी, जिस तरीके से आप मैदान में आए हैं, आपके साथ जनबल है पूरा, सबसे पहला काम आपका बड़ा क्या काम होगा अगर जनता आपको जिला पंचायत सदस्य बनाती है तो? सबसे बड़ा काम हमारा होगा कि गांव में स्कूल है, इंटर कॉलेज है, इसके लिए और बड़े बड़े जो भी काम है, जो भी हमें विकास भवन से जो भी मिलते हैं या विधायक नीति से जो भी मिलते हैं, जिला पंचायत में जो भी काम आते हैं, जिला अध्यक्ष हमें काम जो भी देंगे तो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में काम देंगे, विकास करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। अंसारी साहब, आपका चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह के बारे में जनता को क्या जागरूक करें? चुनाव चिन्ह है हमारा छड़ी का निशान। क्या कहना चाहेंगे छड़ी के निशान? छड़ी के निशान पे वोट देके और रईस अहमद को कामयाब बनाइए और इंशाल्लाह हर तरीके से मदद मिलेगी। हम आपके साथ, पब्लिक के साथ आधी रात मौजूद हैं, 24 घंटे उपलब्ध हैं। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।